हैं घूम रही हूँ इस टाइम, देख लो यही राउंड लगाती हूँ मैं इसी लॉबी इसका अपने बरामदे का। गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब? बढ़िया हो ना? हाँ बढ़िया ही रहेगा। ठीक है, अब मैं आ गई हूँ यहाँ पर। मैंने दलिया चढ़ा दिया है, नमक डाल के भून दिया, दलिया चढ़ा दिया मैंने इसमें। अब मैं कुकर बंद कर रही हूँ और इधर मेरी बन गई है चाय। चाय छान लेते हैं हम। दस बादाम भिगोती हूँ रात को और सुबह पांच कोशी जी ले लेते हैं, पांच मैं ले लेती हूँ, पांच बादाम। पांच से ज्यादा बादाम खाने भी नहीं चाहिए, जो फायदा करेगा वो नुकसान करने लगेगा, इसलिए पांच से ज्यादा नहीं खाना है बादाम, वो भी भिगो के खाना है। अगर आप सूखा खा लोगे बादाम तो सूखा बादाम होता है जो गर्म होता है। ये देखिए इडली का आटा है, ये मैंने रात को पीस दिया था। अब मैं इसकी दोपहर में बनाऊंगी इडलियां, सांभर इडली और चटनी नारियल की। ये देखिए काफी फूल गया, दिखाई दे रहा है ना, ये देखिए फूला हुआ। अब हम पियेंगे चाय, आ जाइए अदरक की चाय पीते हैं। चलिए आ जाइए, ये चाय बन गई है, आप लोग चाय पी लीजिए गरम गरम अदरक की चाय। ठीक है, मसाले अदरक की चाय मैं पी लेती हूँ इसे, बहुत बढ़िया चाय बनी है। कौशिक जी को चाय दे देती हूँ मैं अभी। कौशिक जी चाय। हेलो, ये रिमोट दो, थोड़े छोले भकड़ो से गर्मी होगी। जब मैं रसोई में से काम करके आती हूँ तो बहुत ज्यादा गर्मी लगती है मुझे। चलिए मैं थोड़ा इसका टेम्परेचर थोड़ा ध्यान रखना अपना, सब ठीक है। और हम भी, मैं भी, कौशिक जी यहाँ ठीक है, और थोड़ा बहुत तो खांसी जुकाम थोड़ा चलता ही रहता है, बाकी वैसे सब ठीक है। नमस्कार जी। नमस्ते जी, कैसे हो सब? सब बढ़िया है जी, बढ़िया है सब। बढ़िया हो ना? हाँ सब बढ़िया। अब कौशिक जी आ गए हैं, आपका जवाब देते हैं साथ में। हाँ बिल्कुल ठीक है, जब ये बता देते हैं मुझे पता लग जाता है कि आप सब ठीक हो। सब ठीक है, ठीक है हाँ जी, और ठीक ही रहना। सब बढ़िया है और बढ़िया ही रहते हैं हम। बढ़िया रहते हो ना? हाँ बढ़िया तरीके से। ये आजकल कौशिक जी ने ना वो हरियाणा की वो क्लास लेनी शुरू कर दी है लैंग्वेज की थोड़ी थोड़ी सी। अब ये ना मतलब कौशिक जी को ना अपना भूला हुआ बचपन याद आ रहा है, तो बचपन में जो भाषा बोलते थे गांव में वो अब मतलब याद आने लगी है। हाँ जी हाँ जी, जब बाहर रहने लगे थोड़ी वही फर्क पड़ गया, तरह तरह के लोगों को देखने से, वहाँ की भाषा सुनने से थोड़े लैंग्वेज अपने फर्क आ गया था। अब कौशिक जी को फिर से मतलब अपनी यादें आने लगी है वापस। ठीक है, देखो पता लग रहा है देखने से कौशिक जी। हाँ जी हाँ जी। और बताइए कौशिक जी। बढ़िया बढ़िया चल रहे हैं हम तो। बढ़िया ही तो चल रहे हो, और क्या। और अपने बारे में बताइए। टिप टॉप रहे हैं हम। हैं टिप टॉप रहते हैं। बताओ जिनको टिप टॉप कहेंगे तो फिर मेरे जैसा आदमी कहाँ जाएगा ना। हम तो टिप टॉप चलते हैं एकदम बढ़िया तरीके से। ये बताओ इनका टिप टॉप बताओ क्या होता है और क्या। मैं आपको बताऊंगी अगर आप, मैं कौशिक जी की बात बता दूंगी तो आप कहोगे हैं अंकल कौशिक जी बैंक में जॉब कर रहे हैं उसके बाद में इस तरह से रहते हैं। मैं टिप टॉप रहता हूँ। इनका बस चलता है ना कई बार ना, ये प्रेस भी नहीं करते कपड़े, ये इस तरह से करते हैं। और क्या भाई, बाहर दे नहीं सकते कपड़े प्रेस करने, खुद कई बार होते नहीं है तो फिर कैसे पहनेंगे भाई। कोरोना के डर से ना पहने हम, प्रेस ना हुए इसलिए। और क्या ना, मतलब आलसी जी है, प्रेस घर में है, लाइट है, सब कुछ है, मतलब प्रेस हो सकती है ना। ये मतलब ये कहते हैं सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, मतलब मैं मुसा कपड़ा पहन के जाऊंगा तो लोग मेरे लिए ये रखेंगे शब्द।
नहीं नहीं, लोगों से थोड़ी मेरे को वो है, इन्हें शर्म भी नहीं आती कि कोई कितने मुझसे कपड़े पहन रखे। मुझे खुद लगता है दीपा को भी क्या मम्मी पापा से कहो ना, मैं कर रही प्रेस पापा कपड़े उतरा इनसे कपड़े, और इनको बिल्कुल भी ना आए। अंकुर भी कई बार इसी बात पर गुस्सा करता है, क्या कपड़े मैंने पहने, मम्मी आप मैं नहीं जा रहा पापा के साथ, कहेगा मैं नहीं जा रहा, आप जा रही हो क्या बेटे, कहेगा मैंने कहा और मेरे को तो जाना ही पड़ेगा बेटा, ना जाऊंगी तो फिर मेरी फिर गलत बात हो जाएगी ना, मैं नहीं जा रहा फिर पापा के साथ, अगर पापा ऐसे जाएंगे तो नहीं जाऊंगा। अब पता जूता है चप्पल है सब कुछ होते हुए वो बाथरूम की चप्पल पहन के चलते हैं, चले जाएंगे जैसे मार्केट जा रहे चले जाएंगे मार्केट चला जाऊंगा। एक दिन बैंक में चले गए थे, बैंक ना जाऊं बाथरूम आदरस तरफ वापस आए जब, वो वैसी चप्पल थी वो थोड़ी सी टूट सी टूटने वाली, वो इसलिए बदलने आ गया बाथरूम की ना, मतलब ना इन्हें पता ही नहीं लगता ये बिना मास्क बांधे नीचे उतर के चले जाएंगे, फिर जब देखे पर आएंगे फिर वापस लेके जाएंगे, कहेंगे मेरा तो रह गया मैंने की हर चीज ना, वो तो मैं तीन मंजिल है ना, तो मैं एक्सरसाइज करने के चक्कर में भाई आज एक्सरसाइज इसलिए मास्क छोड़ जाऊं मैं। अच्छा मास्क छोड़ जाते फिर वापस लेने आएंगे तीन मंजिल, फिर ऊपर चढ़ के आएंगे फिर मास्क लेके जाएंगे चार मंजिल, थोड़ी वो हो जाए कसरत, कसरत करते सुबह सुबह खाके बैंक के टाइम पे कसरत होती है और क्या, कसरत करने कसरत करो, मतलब जितना मैं बताऊ ना होता, आप लोगों का भी होता होगा ऐसे, आप लोगों का भी परिवार में होगा फैमिली में आपको भी ऐसा होगा कि जैसे भाई बच्चे हो तो आपके मम्मी पापा में दोनों में फर्क होगा, देखना एक ज्यादा थोड़ा मतलब बढ़िया तरह से रहने वाला है, एक सिंपल तरीके से रहता है, वो होता है ना सबके घर में मिलेगा, एक एक होता है, मेरे घर में मेरे पापा है बहुत मतलब सज धज के, मतलब मेरे पापा मैनेजर रहे बैंक के, तो वो बता जब बैंक जाते मतलब पूरा सज सज के जाते पूरा, मतलब ऐसा बहुत सेंट वेंट सब लगा के टाई कोट पैंट मतलब बहुत बढ़िया तरह से, और मम्मी हमारी सिंपल, अब हम मैं तो बैंक में नहीं हूँ मैं तो घर में ही हूँ, लेकिन हमारे कौशिक जी हैं इनको सजने का ना मतलब ढंग के कपड़ा पहनने का कोई शौक है, कोई शौक नहीं है, नहीं किस लिए नहीं तो अरे कपड़े किस लिए कपड़े जाते? कपड़े साफ पहनो धुले हुए पहनो और गंदे कपड़े मत पहनो, और ये जरूरी है कि जी वो प्रेस करने हो कपड़े आई हो, अब आप ही बताना कपड़ों की जान निकाल दो, बैठे हैं ये बताओ ये ऐसे मुझसे कपड़े पहन के रहे क्या जरूरी है कपड़े प्रेस करके पहन के जाना है, नहीं कपड़े प्रेस ना वो ऐसा आदमी की ना जॉब नौकरी से वो पोजीशन होती है, कपड़े के हिसाब से पोजीशन होती है, कह देंगे देखो इतने बड़ी सोच बैठा है देख क्या कपड़े पहन रखे, किसी का मुंह थोड़ी पकड़ा जाता आप बताइए, तो कपड़े ये थोड़ा सा ना इनका थोड़ा वही है, अगर मैं इनके कपड़े आप मैं बताती हूँ आपको, अगर मैं इनके कपड़े ना बनवाऊ ना, अगर मैं तो रेडीमेड ले आती हूँ खरीद के, और इनका कई बार जब मैं कपड़े लेके आती हूँ अपने पसंद के मेयर दीपा लेके आते हैं, और इनका पैंट कमीज ले जाके टेलर को वहीं की वहीं मैं देके आती हूँ, नाप देने वाला बंदा भी नहीं जाता है मेरे साथ में, मैं खुद ही कपड़े इनके डाल के कहते जाकर सिलवा के ले आओ, आज भी मेरे पास 15 साल 16 साल पुरानी पैंट और कमीज है पहन जाऊ, ये वैसे ही है ये नहीं पता मैं क्या चीज है और क्या भाई कपड़े तो क्या है कपड़े इनकी कोई वो थोड़ी रह कर उम्र और देखना थोड़ी रहे कपड़े मेरे को वैसे घर में सजने का शौक नहीं है, धुले होने आपने मुझे अभी भी देखा होगा मैं कहीं भी देखोगे मुझे ये शौक नहीं है कि भाई रोज एक साड़ी निकाल कर रोज नई नई साड़ी पहन के घूम के दिखाऊं, मुझे थोड़ा आलस आता है, साड़ियों की कमी नहीं है पहन सकता है मैं पहन सकती हूँ पर मुझे बहुत आलस आता है, मेरे में एक खूबी है जैसे मेरे दो जोड़ी कपड़े निकल गए मान लो तो फिर वो दो ही चलते रहे, आज वो धुले कल प्रेस हो गए या फिर कल वो पहन लिए, कितने जोड़ी कपड़े आज वाले अब दो ही जोड़ी निकाल रखे मैंने ये नहीं पहन लू बिना प्रेस के भर रखे अलमारी में अब वो जो दो जोड़ी जो प्रेस हो रहे हैं ना वो डेली धुल के प्रेस होते रहेंगे वो तार पर लटके रहेंगे तो उन्हें प्रेस करने में टाइम लगता है, मैं एक मिनट में प्रेस कर दूं तो वो इसलिए प्रेस कर दे ना क्योंकि वो सीधे सीधे लटके हुए हैं डाले हुए भाई कॉलर करनी है नए कपड़े इसलिए ना निकाले क्योंकि वो तह बन के रखे हैं तो उनमें प्रेस करने में टाइम लगेगा, भाई क्या है आजकल धोबी कपड़े दे ना सके कोरोना के चक्कर में भाई बाहर जा रहा है कहीं कपड़े वपड़े में दिक्कत है हो जाए इसलिए वो ये कोरोना ने मार दिया भैया सच्ची में, तो इसलिए जैसे मिले वैसे ही पहन मैं कहता रही कोशिश से कह रही हूँ मैंने कि अपने अपने कपड़े प्रेस कर लेते हैं, मेरे कपड़े एक भी आज तक मैंने आपको एक बार पहले शिकायत करी थी अपने बच्चे संडे को सारे और क्या तुम्हारे साथ मैं बता रही मेरे सारे सूट वूट में सूट पहनती नहीं घर में सारे उपड़े और मैं प्रेस नहीं कर सकती मुझे हमारे घर में आता है हमारे घर में कपड़े प्रेस करने में ही एक्सपर्ट हूँ, ये तो जला दे मैं सारे कपड़े मेरे कपड़े जला दिए इन्होंने, हाँ कैसी शिकायत कर रहे हैं आपसे और क्या मेरे कपड़े इन्होंने जला दिए और आवे है ना इन्हें प्रेस करनी, अब भाई
मैंने आप ये कहोगे आंटी आपको प्रेस करने नहीं आते कपड़े ना, आवे पर जला के बेटा आते हैं पर हमने ना कभी जला ना के कर रहे ये रखा ना इस चीज का काम है। पहली बार सारे घर में काम होता है फिर इस प्रेस का काम हो रही है सिर्फ है। मैंने कभी ये या तो फिर जानबूझ के जला हुए कपड़े ना, जानबूझ के नहीं जलाते वो हो सकता है। एक बार शुरू में जब मेरी शादी हुई थी मेरी बड़ी सुंदर साड़ी थी और मेहंदी कलर की बहुत सुंदर साड़ी थी जो मेरी सास को भी बहुत प्यार आ रहा था। बहू पे पहली बहू थी ना, बहुत ज्यादा लाड बहुत लाड आ रहा था। बहू जी बहू जी बहू जी बहू जी जी कह के बात करती तो वो एक दिन मेरे से बोली मैंने साड़ी में पहनने नहाई तो पहनने साड़ी पहनने नहीं रही थी जब साड़ी बहुत थी लेकिन वो कह रही तेरे को साड़ी बहुत अच्छी लगे एंड मैंने की मैं यही पहन लेती हूँ तो कहने लगी ना पहले मैं प्रेस करूंगी जब पहनी तो मैंने की ना मैंने ये प्रेस ही है सुसोन की साड़ी तो कौन सी प्रेस करने की जरूरत नहीं होती सुसोन सुसोन साड़ी रहती है जो बोली ना मैं प्रेस करूंगी जब ज्यादा अच्छी लगेगी तो मैंने फिर जब नई नई होते तो फिर मना भी ना कर सके भाई जो कोई ना जब मैंने की इतने प्यार से कोई कह रहा है तो मना भी नहीं कर सकते। और मेरी सबसे प्यारी साड़ी थी दिल से छूने वाली साड़ी थी वो मेरी लच्छी पक गई है वो मेरी सास ने लिया उसने प्रेस सास ने हमारी ने प्रेस कर दी उसपे वो पूरी जैसे प्रेस की प्रेस चिपका दी जैसे पूरी प्रेस की सेप बना दी उस साड़ी के ऊपर। बस फिर हमारे कहते हैं ना कि कभी जला हुआ कपड़ा मत पहनना कभी मत पहनना जला हुआ कपड़ा बहुत बुरा होता है जला कपड़ा पहनने से। और मेरी ये इन्होंने एक बार करी प्रेस कमीज और कमीज जला दी मैंने तो बहुत जब तक फटना गई जब तक पहनी वो जली हुई कमीज। झूठ बोल रहे हैं और क्या झूठ बोल रहे और लाल चेक की जो कमीज थी मेरी यहाँ से जलाई पूरी तो तुम जल्दी फटफटी पहन गई। मैंने वो बहुत पहनी वो जब तक पहनी जब तक वो फटना गई फिर ऐसे थोड़े ही है वो मैंने बहुत सारी जला दी थी वो क्या था कपड़ा ही कुछ ऐसा था और इनके यहाँ प्रेस पता कैसी थी लोहे वाली वो चौड़ी सी पत्ती होती लोहे की रहती है ना तो बहुत पतली सी रहेगी बहुत चौड़ी भारी सी रहेगी वो इनके यहाँ प्रेस ही हमारे मम्मी के यहाँ ऐसी वाली प्रेस नहीं थी वो थी तो उसमें वो चेक करने के लिए रहता है ना वो हर तरह के कपड़े का तो वो उसमें वो चेक वो करके उसके हिसाब से हम करते थे टेम्परेचर सेट करके भाई तो उसमें भी था वो रेगुलेटर मेंटेन करने वाला ना ना तुमने वो मैक्सिमम पकड़ रखा वो जी मैंने ना करा था वो थी मैं बताऊं क्या कई बार ये खोल दे उसके अंदर से वो एक पत्ती से निकलती थी जो कई बार हम ना जब हम कई बार स्कूल जाते तो ट्रक वर्क के नीचे पड़ी रहती थी तो उसे हम जीप पर लगाते खट्टी खट्टी लगती थी क्या बोला उसे कहीं ना माइका की प्लेट रहा है वो ना मैं कुछ जो प्रेस में रहा है ना माइका की प्लेट ना वो हरे रंग वो थी हरी हरी सी वो निकली प्रेस जैसी शेप रहा उसकी इतनी गंदी प्रेस हो जब ये घर में रखेंगे ना मुझे क्या पता इसका टेम्परेचर क्या है मैंने कर दी वो तो जरूरी है मेरे से लाड मेरे को ना दिखाना था और क्या लाड इन्हें ना मेरे ऊपर वो चलाना था ऑर्डर क्या बीवी आ गई है अब ऑर्डर चला के कहूंगा प्रेस कर दो। मम्मी के घर तो प्रेस कपड़े के कपड़े वाला था तो प्रेस के कपड़े वहां पे होते थे तो ना हमने कभी सीखा ना हमारे पापा ने कही कभी कि भाई तुम कपड़े सीख लो भाई हमारे कपड़े यूनिफॉर्म सब हमारे प्रेस हो गया तुम्हारे पापा भरोटा रख के लेके आवा सिर के ऊपर हाँ तो हमारे पापा ने कभी ना पापा हमारे डाल के आते प्रेस का कपड़ा फिर लेके आते हमारे पापा करते थे काम दे आते कपड़े तो लेके आओ उसे तो अच्छा अपने आप कर लो ना जब तक लाने तो हमने सीखी भी नहीं। अब जब नई नई शादी हुई है आप बताओ जब हस्बैंड बोल रहे हैं कि भाई प्रेस कर दो मेरी कमी और जब मैं ये कहूंगी मुझे नहीं आते तो फिर बेइज्जती लगेगी ना मेरी तो जलाने से तो अच्छा है क्या तो भाई ना मैंने ना मैंने तो अपनी बेइज्जती ना करवाई ठीक समझी तो जब मैंने मेरी जला दी पर तो मतलब ये लिया ना मैंने तुमने मेरी तुम्हारी मम्मी ने मेरी साड़ी जलाई वो तो तुमने तो शुरू में ही मेरी कमीज जला दी तो शुरू में तो तुमने साड़ी जला दी मेरी तो तुम्हारे बाद मेरी साड़ी जल गई है बता तो पता क्या कहते साड़ी जल गई मेरे से बोली मैंने कोई बात है दुख बहुत लगा मुझे उस साड़ी का फिर वो कहते हैं ना नहीं वो जली हुई कपड़ा ना पहनना चाहिए चाहे कितना भी बड़ा अच्छा हो कपड़ा। मैंने पहले भी आपको बताया है कि मैं जोड़ा होता है ना जब जो शादी का मियां बीवी हस्बैंड वाइफ का जोड़ा होता है वो देखना एक का एक पूर्व चल रहा है दूसरा पश्चिम चल रहा है। मैंने ऐसा कभी भी कोई ऐसा जोड़ा नहीं तो बहुत रेयर होगा कोई ऐसा जोड़ा होगा जो भाई दोनों पूर्व तरफ चल रहे हैं दोनों पश्चिम तरफ चल रहे हैं तो दोनों एक ही तरफ चले ना हम दोनों एक तरफ ही चलते और क्या जब भी तो हमारी बजती है हमारी बजती क्यों बजने का मतलब समझते हो ना कहीं ना हम लड़ाई हमारी होती क्यों है हम दोनों एक क्योंकि हमारे ना विचार मेल नहीं खाते मेरे विचार मेरे बच्चों से मेल खाते हैं मेरे बच्चे जो मेरे बच्चों के मेरे विचार है वो मेरे बच्चों के विचार है कौशिक जी के विचार मतलब तीनों बच्चों हाई विचार है मेरे बहुत ज्यादा हाई क्वालिटी के विचार है मेरे तीनों बच्चों से मेरे से मेल नहीं खाते। अब हाई क्वालिटी के विचार कहाँ मेल खा हम चलेंगे पूर्व तरफ तो ये चलेंगे पश्चिम तरफ। अब मैं ज्ञान की बात फिर लास्ट में इन्हें हमारी तरफ आना पड़ता है लास्ट में सब सोचेंगे ये चार लोग साइड जा रहे हैं तो मैं अकेला रह गया हूँ चलो मैं भी इन्हीं के साइड चलता हूँ ना ज्ञानी पुरुष हूँ मैं।
मैं ज्ञानी पुरुष हूँ मैं। अच्छा और क्या भाई, ज्ञानी पुरुष है तो ज्ञान की बातें बोल रहा है, इन्हें ज्ञान समझ में आता नहीं बिल्कुल भी। और क्या, तो इसलिए आप ज्ञान अज्ञानी लोग क्या और कंजूस एक नंबर। जैसे मतलब मेरे में ना कहते हैं ना दिल की इच्छा है, पहले कहते थे कौशिक जी, पता है क्या कहते थे कौशिक जी, पता है जब हमारे बच्चे बड़े बड़े हो जाएंगे, जब बच्चे की शादी हो जाएगी तब हम दोनों रहेंगे, पता है जी खोल के दिल खोल के पैसा खर्च करेंगे, दिल खोल अभी तो हुई तो पाया ना साथ दिल खोल के पैसा खर्च करेंगे। अभी सबकी शादी नहीं हुई हमारे बच्चों की, देखो मतलब कोई ना कोई बहाना ढूंढ नहीं है, कहां से दिल खुला ही ना अभी तक। जब भाई शादी नहीं हुई बच्चों की तो दिल कहाँ से खुल गया ना, सच्ची बता रही मैं। अच्छा मैंने क्या बात बोल ली, कि जब हमारे सारे बच्चों की शादी हो जाएगी जब दिल खोल के करेंगे, जब बच्चे बड़े हो जाएंगे, पढ़ाई लिखाई सब होगी, बड़े बच्चे हो गए तो वो है सच्ची बता रही, जब तो पहले थोड़ा बहुत तो खुला हुआ था और फिर बिल्कुल ही वो कर दिया, अब तो कुछ बचत वचत तो कुछ भी ना सारे, वही है ना वही है, इनके वादे झूठे है। पहले जवानी में ये सोच के नहीं करा कि भाई चलो बच्चे पढ़ेंगे घर भर बन जाएगा, फिर जब हम एक जगह सेट होंगे उसके बाद फिर हम अब देखना तुम भाई, आदमी तो वही है जो वादा करके मुकर जाए। अब तो भाई आप देखो आप लोगों को पता लग जाएगा असलियत, और क्या भाई वादा तो करता ही किया ही जाता है मुकरने के लिए, झूठ बोलने के लिए भाई, उस टाइम काम चलाना पड़ा ना भाई, उस टाइम जो काम चलाना पड़ता है इसलिए वादा करना पड़ता। और अब कैसे काम चलाओगे, अब कैसे चलाओगे, फिर वादा कर देंगे ना। अब तो मैं भी तो वो खाई पी होगी ना, ना 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 मैं तो मुझे तो उम्मीद लगती नहीं। जब हम दिल्ली से आते सेलम आते हम लोग जब यहाँ पे आते साउथ में, तो कई मतलब बीच में कई ऐसे होटल बढ़ते रेस्टोरेंट पड़ते बड़े बड़े, तो वहाँ पे जैसे इडली डोसा बड़े बड़े खाना बन रहे होते, तो मैं कौशिक जी से कहती हूँ इनके खाना ले लो, क्योंकि मेरी घर जाके बहुत दिक्कत हो जाएगी, मुझसे नहीं बने। हर बार खाना लाया बाहर से जी, झूठ मत बोलो, तो यहाँ बैठे झूठ मत बोलिए आप, पता है इनको बिल्कुल भी वो ना लगे, जब हम जैसे घर में आएंगे चलो तुम खाना बना लो, हैं भाई खाना बना लो, मैंने इतने कितनी बार कहती हूँ दीपा, हमारे बच्चे गुस्सा करते हैं कई बार रात को, तो एक दिन तो मम्मी को आराम करने दो, इसलिए मैं तो आप अपने घर से आती हूँ ना, तभी मैं तो दो चार रोटी फालतू सेक के लिए आती हूँ, या पूरी लाऊंगी जैसे कुछ भी लाऊंगी तो मैं थोड़ा फालतू डाल के ले आऊंगी। हेमलता पिल्ले जी है, उन्होंने बोला था कुछ कहा था कि भाई आप भी तो घर की मालकिन हो, आप बोलो जाके कौशिक जी, क्योंकि हर चीज कौशिक जी से क्यों कहवाते हो आप, कौशिक जी की वो है, अगर कौशिक जी को जो बात नहीं कहनी है तो वो कोई भी नहीं कह सकता है, अगर कौशिक जी ने कह दिया है ना कि ये बात नहीं, मैं नहीं कहूंगा ना, तुम कहोगे तो मजाला कोई कह जाए, चाहे मेरा घर है, मुझे मेरी आत्मा दुखती है, मेरा कहते हैं ना हंस, दिल को हंस कहते हैं, मेरा वो हंस रोता है कई बार बहुत ज्यादा इस चीज का, कि देखो मेरे को इतना दुख लगता है, बच्चों को भी दुख लगता है, लेकिन कौशिक जी कहते नहीं रहने दो, कोई जरूरत नहीं है, क्या जरूरत पड़ रही है, रहने दो मैं कह दूंगा अपने आप, मैं खुद कह दूंगा, तुम्हें कहने की जरूरत नहीं है, बस इनकी बात पे हम विश्वास करके मैं छोड़ रह देती हूँ, मुझे उस घर से बहुत लगाव है, तुम्हें क्या जरूरत थी, जब मैंने मना करा था, जब मैं बात कर रहा हूँ तुम्हें क्या जरूरत पड़ रही है, तो इसलिए मैं बोलती भी नहीं हूँ। फिर आप ये भी कह रहे थे कि भाई आप ताला लगा दो घर खाली करवा के, ताला लगा दो, वहां मैं घर खाली नहीं करवा सकती हूँ, ताला नहीं लगा सकती, क्योंकि मेरा घर वहां पे पूरा आप जानते हैं पूरा वैसा पड़ा है, घर अकेला है वो घर मेरे वहां पे, तो मुझे वहां पे जरूरत है किराएदार का, तो ये भी मेरी मजबूरी है कि मुझे उनको रखना है, बस कुछ भी लगा लो आप इसमें, बाकी और कोई वो नहीं है, मुझे किराए का लालच नहीं है कि भाई मुझे किराए का लालच है, क्या रहता ना घर पे कोई रहे भाई जोत बत्ती जलती रहे, अब ये नहीं है कि चोर चोर चकार का इधर चोर चकारी का इधर डर है, और चीजें भी अगर घर खाली पड़ा रहे ना, और चीजें भी ना खाली घर में बस जाती हैं, तो थोड़ा ये रहता है कभी किरायेदार है तो जोत बत्ती हो जाती है घर में, लाइट जलती रहती है, बस ये हमारा थोड़ा लालच है, बाकी वहां पे मेरा जहां मैं मेरा घर है जहां जिस एरिया में वहां पे मतलब माहौल अच्छा नहीं है, देखते हैं ना जैसे किसी का घर खाली है तो लोग घुस जाते हैं उसमें, जाके फिर कब्जा कर लेते हैं, ताश खेलने लगते हैं कूद कूद के बाउंड्री, तो फिर थोड़ा सा मुझे ये रखना है, चाहे मेरा मायका है लेकिन वो लोग भी रोज थोड़ी आते उधर देखने के लिए, जब बिल्कुल पास में है, मेरा घर बहुत बड़ा है, छोटा मोटा घर नहीं है वो, मतलब दो आदमी तीन आदमी से दबता नहीं है, पूरी फैमिली लाइक घर है, जैसे भाई पूरा जैसे दौरानी जिठानी सास ससुर बच्चे हो जाए काफी ऐसा वाला घर है, तो फिर मुझे थोड़ा सा वो लगता है। जब मेरा सुल्तान था तो मैं दीपा और कौशिक जी तीन चार लोग हो गए थे उस टाइम पे, तो सुल्तान जब चाहे हमारे वो हमारा पेट है उससे भी बहुत घर दबता है, वो भी एक मेंबर हो जाता है,
तब बहुत अच्छा लगता था सुल्तान से। हमारा सुल्तान खूब डर जाता था कई बार। ये तो ऑडिट में रहते थे, कहाँ साल डेढ़ दो साल तक नहीं था इनका, एक साल ऑडिट में ड्यूटी थी। तो महीने में 20 दिन बाहर 10 दिन यहाँ। इतने बड़े घर में ऊपर और नीचे बस मैं और दीपा और हमारा एक सुल्तान, हम तीन लोग थे जो हम वहाँ पे रहते थे। एक बार की मैं आपको बात बताती हूँ, नीचे किरायेदार था। एक दिन दीपा बोलने लगी मेरे से, यहाँ से गुड़गांव से गई ना दीपा है ना, हाँ दीपा गुड़गांव में थी। तो दीपा मेरे से बोली मम्मी मैं घर जाऊंगी, तो मैंने उससे मना भी करा, मैंने मत जा। एक बार क्या था दीपा ने बहुत जबरदस्ती करके, मम्मी मुझे जाना है, मम्मी मुझे घर जाना है, मुझे कुछ सामान लेना है। तो मैंने कही तू चली जा, मैंने कहा तू डरेगी तो ना। मैंने कई बार मैं और दीपा डर जाते थे वहां पे, अकेले रहते ना, जैसे हम एक कमरे में बंद हो जाते तो बाहर अगर लॉबी में कोई भी चीज गिरी है या बाहर की आवाज भी, हमें ऐसा लगता जैसे हमारे घर के अंदर आवाज आ रही है। तो हम ना रात भर डरते थे पूरी रात। तो आधी रात के बाद तो हम सोते थे, तो दोनों माँ बेटी उठ के जब टॉयलेट पर जाते थे बाहर निकल के आते कमरे से, मतलब था हमारे साथ अंदर ही अंदर था, बाहर नहीं था लेकिन लॉबी में आना पड़ता था। तो दीपा से मैंने बहुत मना करा, बोली नहीं मैं नहीं डरूंगी मम्मी, मैं नहीं डरूंगी। मैं बोली अगर तू अगर डर लगे तो सामने मेरी बता रही ना, मेरी फ्रेंड भी है उसे मेरी बहन भी लगा लो, बहन टाइप ही है वो, पंजाबी है। तो मैंने कहा अगर तेरे को डर लगे तो वो आंटी घर सो जाइयो, वो मियां बीवी है बुढ़े बुढ़े बुढ़ा मतलब काफी एज है उन लोगों की। तो मैं तो उनके वहां सोचिए, बोली नहीं मैं नहीं डरूंगी मेरे से बोली। मैं चल तो ठीक है। अब रात को उसने अपना शाम को खाना वाना बनाया, पूरा इतना बड़ा घर ऊपर का, नीचे में दो पोर्शन कर रखे उस घर के, ऊपर पूरा उतना हमारे पास है ऊपर का। अब दीपा रात को पहले तो सो नहीं रही थी पहले, फिर 12 बजे तो उसने पेस्ट वेस्ट करा, वो उसकी आदत है रात को 12 बजे पेस्ट वेस्ट करके मुंह धो के तब सोने की आदत है दीपा को। रात को 12 बजे पेस्ट करने के लिए जैसे ही वो आई है बाहर, एकदम जो दूसरा कमरा है सामने हमारे कमरा, पहले बताया था मैंने दिखाऊंगी अभी उस कमरे को, तो उस कमरे के अंदर पता ना उसे वहां उस कमरे के अंदर से आवाज आ रही थी। कहते हैं ना सुनसान जब घर है एक कोई आदमी अकेला हो तो उसे आवाज अजीब अजीब सी आ रही है, कुछ भी कहीं की भी आवाज है तो घर में महसूस होती है। अब उसे वो आवाज ऐसा लग रहा है जैसे भाई अपने कमरे की संकल बज रही है, जो उसके कमरे के सामने दूसरा कमरा है उसकी संकल लगा रखी थी, वही खुला रहेगा तो डर लगेगा कमरा देख के, तो उसने अपनी तरफ से संकल लगा दी उस कमरे की भी। तो जब वो वापस आ रही है वहां से मुंह धो के, अब वो कह रही है, वो तो ऐसी कह रही है मम्मी वो संकल अपना आप उठ रही है, ऐसे उठ रही है और बो रही है जैसे 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 कोई खोलता बंद करता है ऐसे। उसने ये चीज देखा दरवाजे पे, वो सीधी अपने कमरे में घुस गई है, या तो हो सके वो डर की वजह से उसे वो चीज दिख गई, वही डर लग रहा होगा, डर में तो पता नहीं क्या उसी चीज कुछ से कुछ दिखने लगता है। अब वो घुस गई कमरे में और वहां जाके उसने कमरे में बंद करके फोन करा है, उसी कमरे के सामने वाले कमरे में वो हो रही है चीजें। अब जब उसने फोन करा है रात को 2:30 बज रहे थे, 12 बजे बाद तो गई है वो, तो 1:30 बज रहा था रात को। मतलब पहले तो वो सोच रही कि भाई वैसे ही होगा वैसे, लेकिन उसे तो कह रही है मम्मी मुझे तो बहुत दहशत हो गई, ऐसा लगा जैसे वो कमरे में आ जाएगा मुझको पकड़ लेगा, मम्मी मम्मी मुझे बचा लो, मम्मी मुझे यहाँ फोन करा। अब एकदम रात को एकदम फोन आया, हम यहाँ इतनी दूर तो हम कैसे कर सके। मैंने कि दीपा मैंने तेरे से पहले ही मना कर लिया, मैं सकू कोशिश से, मैंने की बाई चांस है मैंने घर बंद पड़ा है, कोई चीज ऐसी आ गई हो कुछ हवा है भाई ये तो कहीं भी जा सकती है, मैंने खाली घर है हो सके कोई दिक्कत उसे लग रहा हो महसूस हो रहा हो इस टाइम पे, तो पूजा पाठ तो होती नहीं है इस घर में अब, तो मैंने सच में हो तो मैंने कहा दीपा मैंने कहा हो सके बेटा बहन है, नहीं मम्मी बहन नहीं है मम्मी, अब तू बता कहाँ है, मैं मम्मी अंदर बैठी हूँ, तू मैं हनुमान बाहू पढ़, मैंने तू वो हनुमान चालीसा पढ़, मम्मी सब पढ़ वहां वो पढ़ रही है हनुमान चालीसा, पूजा वहां वो कर रही है, यहाँ पूजा मैं फोन पर पूजा कर करके उसे सुना रही हूँ, कभी हनुमान चालीसा कभी हनुमान बाहू। मैंने कहा दीपा डरे मत ना बेटा कुछ ना होगा, मैंने कुछ ना होगा, मम्मी इधर आवाज आ रही है, डर गई मैं वो डर गई, मैं वो डर गई क्या, देखो मेरे रोंगटे देखो मेरा पूरे रोंगटे खड़े हो रहे इस टाइम है, अब वो वहां पर रो रही है यहाँ मैं रो रही हूँ, मुझे यहाँ से निकालो मम्मी मैं कैसे करूँ मम्मी। फिर मैंने ना मैंने वहां करा, मेरी मेरे मायका बता रही मेरा मायका पास में, फिर तभी की तभी मैंने 1:30 बजे के 2 बजे करी, जबकि किरायेदार थे नीचे, लेकिन वो निकला कैसे उस घर कमरे से, उस कमरे से निकला कि सामने वही कमरा है जिसमें वो कह रही है कि संकल उठ रही है, वो हो रही है आवाज सी आ रही है उसके अंदर से, बहम कुछ भी लगा लो, बहम दीपा डरती नहीं है वैसे आराम से। तो फिर मैंने अपने भाई के फोन, अब मैं जब अपने पियर माई के फोन करा तो रात को मेरे भाई ने फोन उठाया, जो भाई ने मेरे भाभी ने, तो कहने लगी वो डर गई कि रात को 2:30 बजे कैसे फोन आया दीदी का। तो फोन उठाया तो मैंने कही मैं अपनी भाभी से,
मैंने कि एक बार घर चली जाओ, मैं क्यों दीप आई हुई है वहां पे, तो कहती थी यहाँ क्यों ना आई, यहाँ आ जाती, यहाँ खाना वाना मैं बना लेती, यहीं सो जाती दीपा। मैंने कि वो ना मानी, मैंने कि वो वहीं सो रही, मैंने कि अब वो डर गई रात में, और हम यहाँ से कैसे जाए, मैंने कि हम बहुत दूर बैठे, मैंने कि अब उसे किसी तरह से भी मैंने कि लेके आ जाओ जाके। तब वो दोनों मियाँ बीबी भाई भाभी मेरे तभी की तभी वहां से गए, पैदल का ही रास्ता है, ज्यादा दूर नहीं था, दो तीन पांच मिनट का रास्ता होगा ज्यादा। तभी तभी रात को 2:30 बजे वो लोग आए, आके अब नीचे गेट का मेन गेट का ताला लग रहा है, सबसे बड़ा ताला लग जा रहा है नीचे, अब नीचे से घंटी बजाई है उन्होंने वहां पे, वो उन्होंने मेरे से फोन कर दिया मेरी भाभी ने कि दीदी हम पहुंच गए गेट पे। तो फिर बोली अब दरवाजा कैसे खुले, ताला लगा हुआ अंदर से। फिर मैंने दीपा से कही, मैंने की दीपा तेरे मामा मामी आए हुए नीचे, मैं तू निकल बाहर, चाबी ले जा सारी, मैं तू सारी चाबी ले निकल। बोल रही मैं कैसे निकलू, उससे नहीं निकला जाएगा। मैंने की तू एक बात बताऊ, मैंने की ऐसे डरेगी तो मर जाएगी, मैंने की वो अंदर आ नहीं सकते, अगर तुझे दरवाजा खोलने के लिए भी तुझे जाना पड़ेगा, क्योंकि सीढ़ी वाला दरवाजा भी तूने बंद कर रखा है, तो अगर नीचे किराएदार को भी उठा भी देते हैं भाई किसी तरह से वो लोग, लेकिन दरवाजा तेरे को ही खोलना है ना घर का, तो नीचे का भी तूने सीढ़ी का बंद कर रखा, ऊपर का भी तूने बंद कर रखा, तेरे कमरे का भी बंद है। फिर हुआ था मैंने तू ऐसा कर, आंख बंद कर ले और चाबी ले ले हाथ में, आंख बंद कर ले और तू मैंने भाग ले उस कमरे के आगे से भाग ले। तो उसने ना क्या करा, चाबी ली हाथ में और एकदम दौड़ लगाई, सीधी वहीं पहुंची जहां पर मेन गेट है हमारा, ताला वाला कुछ नहीं लगाया उसने, उसने खोला दरवाजा और सीधे नीचे भागी है उसने जाके। पहले मैंने गेट खोला, अपनी मामा में अंदर लेके आई है, तब मेरी भाभी ऊपर आई है, भाई भाभी ऊपर आए, तब वो पूरा घर की लाइट वाइट सब बंद करके पूरा घर चेक करके और तार लगा के तब घर में से गए वो लोग वहां से। मैं बता रही हूँ एक, अब फिर वैसे दीपा यही कह रही है, यही बात कह रही है, उस दिन लड़की मरते मरते बची थी, मतलब इतनी दहशत बैठी उसके। अब फिर कह रही है मेरे को जाना है, अब फिर मैं कह रही है मम्मी मुझे जाना है, लेकिन जब तो ये था कि हम 2-3 महीने में चले जाते थे, 2-3 महीने चले जाते थे, ज्यादा नहीं था, तो 1 साल से ऊपर हो गया, साल से ऊपर हो गया ना, अब तो साल से ऊपर हो गया है बताओ, ना उसमें जोर बत्ती हो रही है ना कुछ हो रही है। मैं बोली दीपा तू डर जाएगी, अब नहीं जाना देंगे। वो कहती है मम्मी मैं चली जाती हूँ, मैं सफाई करवा लेती हूँ। मैंने कहा ना भैया, मैंने कहा मेरा मन नहीं है, हाँ मैंने कहा हम बड़े हैं हम जाएंगे, तो भाई हो सकता है अभी हम 3-4 लोग रहने से भर दबेगा, पूजा पाठ करेंगे सब ठीक कर लेंगे हम, तो अभी वो फिर जबरदस्ती कर रही है, इतना उसके साथ हुआ है। वो कह रही है मैंने तुझे वहम हुआ ना मम्मी, मुझे वहम नहीं हुआ। हो सकता है, मैं मानती इन चीजों को, जब घर बंद रहते हैं ना, हमारे पंडित जी भी कह रहे थे कि इतने दिन घर बंद नहीं होना चाहिए, कभी कभी बीच में जैसे भाई आप चाबी ले आते, जैसे कोई दरवाजा खोल ले आता है, लाइट बत्ती लाइट तो मैं जला के भी आई थी वैसे, एक छोटी लाइट पर, सवा 1 साल से ऊपर हो गया, 1 साल 2 महीना हो गया उसे, तो हो सकता है भाई बल्ब खराब हो गया और लगातार चलते चलते। दीपा की एक बात शेयर करी थी, अब दीपा आप ही बताना, आप मुझे इस बात पे कमेंट करके बताना कि मैं दीपा को भेजू या ना भेजू, ये बात होने के बावजूद दीपा मेरे से जबरदस्ती कर रही है कि मम्मी मुझे जाना है, मैं जाना घर देख के आती हूँ, भेजना है। वैसे किरायेदार है नीचे, लेकिन ऊपर का तो बंद ही है ना, नीचे किरायेदार है ऊपर का बंद है, तो इसलिए मैं उसे थोड़ा सा वो जबरदस्ती कर रही है। मैं वीडियो यहीं एंड कर रही हूँ, और आप लोगों को हमारी ये वीडियो पसंद आएगी, अगर पसंद बिल्कुल आएगी, पसंद आएगी ना, हाँ बिल्कुल। आप कोई कहेगा फिर हॉरर बीच में डाल दिया है, हॉरर नहीं है ये, मैं मतलब एक्सपीरियंस बता रही हूँ। पसंद आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कॉमेंट करना और बेल आइकॉन से प्रेस करना, जो भी कोई नई वीडियो होगी आएगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। कोई पैसा नहीं लग रहा भैया, दीपा मेरे से कहती है मम्मी कैसे बोलते हो आप, कि भैया सब कर दे करो, मैंने पता मुझे विश्वास है कर देंगे। चलिए मैं रोज के वही तो मेरा वीडियो एंड करने में बोलती हूँ मैं, तो मेरा तो डायलॉग है, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं हम अगली सुबह, कल सुबह मिलेंगे अदरक की चाय के साथ में, ठीक है। चलिए फिर बाय, गुड नाइट, लव यू ऑल। चलिए फिर, ठीक है।